हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर प्रणीता तिवारी यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 2 2.4 लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स 2.5। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स की। जो योगा है, योगा मतलब कि योगा, आप तो आप लोग ने देखा योगा, योगा का मतलब आप सभी को पता है, वो हम एनिमल्स से सीखने जा रहे हैं। एनिमल्स के मतलब कुछ पोजेज हैं, उसको हमने योगा में ऐड किया। ये नहीं कि यहाँ पे आके हमको एनिमल्स योगा सिखा रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स के पोजेज है योगा के, वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पोजेज हुए, जैसे कि ट्रीज के हुए, कैट्स के हुए, और बहुत सारे जैसे कि कोबरा के हुए और लायन के हुए, सो मैनी मोर एनिमल्स। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के पोजेज हम इसमें देखने जा रहे हैं और इसको हमने योगा में ऐड किया है। चलिए हम देखते हैं। सिंस द ईयर 2015 द वर्ल्ड हैज बीन सेलिब्रेटिंग जून 21st एज इंटरनेशनल योगा डे। अब तक 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मतलब कि योगा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। एज मोस्ट ऑफ अस विल नो, योगा इज अ कल्चर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो मेंटल का मीनिंग है मतलब कि मानसिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, और फिजिकल मतलब कि शारीरिक, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व भर में इस योगा डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है 2015 से 21st जून से। योगा एज एन एंशिएंट इंडियन डिसिप्लिन इज अ कंपोजिट प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग द कंप्लीट माइंड बॉडी साउल कॉम्प्लेक्स दैट इज ह्यूमन बींग। ओके, यहाँ पे बॉडी साउल का मतलब क्या होता है? बॉडी साउल मतलब अंत मन, आत्मा। ओके, कॉम्प्लेक्स दैट इज ह्यूमन बींग। हियर लेट ऑन फोकस ऑन योगा एज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज दैट हेल्प अस टू अटेन कंसेंट्रेशन, फोकस एंड ऑल्सो इम्प्रूव फ्लेक्सीबिलिटी, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे मतलब जो योगा है, या आपकी जो कंसेंट्रेशन है, फोकस है, उसको इम्प्रूव करता है, और आपकी फ्लेक्सीबिलिटी, आपकी जो लचीलापन है, लचीलापन, फ्लेक्सीबिलिटी मतलब लचीलापन, कितने लचीले हैं, ये भी इम्प्रूव करता है, और बैलेंस एंड स्ट्रेंथ हमें स्ट्रांग भी बनाता है। फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन लेट अस मूव टू अ वेरी कंटेम्पररी एरिया ऑफ रिसर्च। एक्सपर्ट टुडे डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ ड्रॉइंग अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री। ओके, बायोमिमिक्री मतलब क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, बायो मीन्स लाइफ, और मिमिक्री इज टू इम्यूलेट बेसिकली बायोमिमिक्री। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इज द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। जो साइंस है, जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, ये जो सॉल्यूशंस मतलब कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने नेचुरल वर्ल्ड में। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू योगा इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री। देखिए, बायोमिमिक्री का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, और मिमिक्री मीन्स मिमिक्री इज टू इम्यूलेट। अंडरस्टैंड, जैसे कि वेयर इन टिपिकल आसन्स और पोजेस वी इम्यूलेट माउंटेन्स, ट्रीज, फिशेस, कैट्स एंड सो मैनी मोर एनिमल्स। ओके, हमने यहाँ पे कुछ पोजेस और आसनाज लिए हैं, जैसे कि माउंटेन, ट्रीज, फिश, कैट्स एंड सो मैनी मोर एनिमल्स। दिस हेल्प सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन बाय डे टू डे लिविंग सच एज स्टिफनेस एंड बैक पेन। स्टिफनेस मतलब कि कठोरता, और बैक पेन कमर दर्द जैसी समस्या को, एंड अलाउ अस टू फील फिजिकली वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प। ओके, योगा हमको अंदर से बहुत स्वस्थ रखता है, और बहुत से प्रॉब्लम को वो ठीक भी करता है, जैसे कि बैक पेन हुआ, स्टिफनेस हुआ। ओके,
और योगा करने से जो हमारा जो हम कैसे अंदर से फिजिकली एकदम फील करते हैं वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प, और मेंटली एकदम मन से भी हम शार्प फील करते हैं, मन से भी हमें अच्छा लगता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर देर आर फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है योगा प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। ओके, इफ यू आर ए बिगिनर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं योगा को, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा आइदर इन प्रेजेंस ऑफ योगा। ओके, यहाँ पे कुछ आपको बेसिक प्रिकॉशंस दिए हैं कि आपको योगा स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस है, आसना शुड बी प्रैक्टिस इन क्लीन एयरी एंड वेल लिट रूम। देखिए, आसना आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए, इन क्लीन जगहों में और एयरी एंड वेल लिट रूम, यानी कि जहाँ पे लाइट हो अच्छा सा वहाँ पे। द फ्लोर शुड बी लेवल्ड, जो फ्लोर है वो लेवल्ड होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। ओके, इट इज एडवाइजेबल टू यूज योगा मैट, हमें योगा मैट का यूज करना चाहिए वाइल डूइंग योगा। ओके, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इनडोर्स, यू मे हैव प्रैक्टिस ऑन लेवल ग्राउंड आउटडोर्स। द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज इन द मॉर्निंग। बेस्ट टाइम क्या है आपको योगा प्रैक्टिस करने का, मॉर्निंग में कर सकते हैं आप, सुबह के टाइम, कभी बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन द इवनिंग बिफोर डिनर, और खाना खाने से पहले रात में, डिनर करने से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, दिस टू बेस्ट टाइम्स टू प्रैक्टिस योगा। ओके, और जो हमारा थर्ड प्रिकॉशन है वो क्या है, द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, ये हमने सॉरी थर्ड हम लोग ने कर लिया है। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द पोजेस डिस्क्राइब्ड बिलो मस्ट बी लर्न फ्रॉम इंस्ट्रक्टर बिफोर यू अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस देम योर ओन। ठीक है, यहाँ पे कुछ पोजेस डिस्क्राइब किए हैं आपको योगा प्रैक्टिस करना है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोजेस है। लेट अस लुक एट फ्यू वेल नोन एनिमल पोजेस इन योगा। लेट अस लुक एट फ्यू वेल नोन एनिमल्स पोजेस इन योगा, यानी कि यहाँ पे कुछ हम प्रसिद्ध जानवरों के, मतलब योगा के पोजेस देखने जा रहे हैं। ए पर्सन हु वेरी फेमस, उसे हम वेल नोन कहते हैं, तो वेल नोन एनिमल्स के हम कुछ पोजेस योगा में देखने जा रहे हैं। ओके, भुजंगासना, भुजंगासना इज अ बिगनर पोज। भुजंग इन संस्कृत मीन्स, भुजंग जो है ये संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग होता है कोबरा। ओके, बिगनर के लिए ये अच्छा पोज है। ओके, इज अ पोज दैट रिसेम्बल्स द पोस्चर ऑफ ए कोबरा विथ रेस्ड हेड। द पोस्चर ऑफ कोबरा विथ रेस्ड हेड, हमें इसको सिर उठा के करना रहता है, अपना जो हेड है उसे रेस करके यानी उठा के करना होता है। ये जो पोज है ये क्या रिसेम्बल करता है, दैट रिसेम्बल द पोस्चर ऑफ कोबरा। दिस आसन हेल्प यू टू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेचेस योर स्पाइन। इट ऑल्सो बेनिफिट द चेस्ट एंड शोल्डर्स। ओके, ये हमारे चेस्ट और शोल्डर को भी बेनिफिट देता है और बैक को स्ट्रेंथ मजबूती देता है और स्पाइन को भी। यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्टेप्स भी मैं आपको बता देती हूँ। लाई फेस डाउन, रिलैक्स ऑल द मसल्स कम्प्लीटली सो दैट यू आर कम्प्लीटली एट ईज। यहाँ पे लिखा है प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स, ब्रेथ इन डीपली एज स्लोली रेज योर हेड। ओके, आपको कैसे करना है, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको अपना जो फेस है उसको नीचे करना है, रिलैक्स, आपके आपके पूरे मसल्स को आपको कम्प्लीटली रिलैक्स कर देना है, आपको अपने मसल्स को कम्प्लीटली रिलैक्स मोड में रखना है, दैट यू कैन कम्प्लीटली एट ईज। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स, आपके जो पाम्स है, जैसे कि जो ये है आपके, जो आपके पाम्स है उसको आपको इस तरह से नीचे से रख देना है, और जो आपके शोल्डर्स है जस्ट बिलो योर शोल्डर्स, आपको ऐसे कर देना है, आपको शोल्डर्स को अपर साइड में रखना है, ब्रीथिंग डीपली, आपको जो ब्रीथिंग करना है एकदम डीपली ब्रेथ करना है, एज स्लोली रेज योर हेड। ओके, और आपको स्लोली से अपना सर उठाना है और एकदम गहरी सांस लेना है, देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। फिर आपको स्मूथली जो आपका ऊपरी हिस्सा है बॉडी का उसे ऊपर करना है, डू नॉट कम विद अ जर्क, आपको एकदम झटके से अपना सर को नहीं उठाना है, डोंट कम विद अ जर्क, एकदम झटके से आपके सर को नहीं ऊपर करना है। लेट योर
क्या लिखा है, हाँ, लेट योर मूवमेंट ऑफ द स्पाइन वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा कर्व द स्पाइन वेल, रीढ़ को अच्छी तरह से वक्र करें, द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड, होल्ड द ब्रेथ इन दिस पोजिशन टू अ काउंट ऑफ 20, देन केम डाउन स्लोली व्हाइल यू ब्रेथ आउट. ओके, टू स्टार्ट विथ यू रिपीट द प्रोसेस 6 times. इस प्रोसेस को आपको 6 times करना है. फिर नेक्स्ट है आपका सिंहासन और लायन पोज, इज अ फेवरेट विथ यंग पीपल. इन दिस आसन यू अस्यूम द सिटिंग पोजिशन ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन, ऑल्दो देयर विल बी नंबर्स ऑफ स्टेप्स, दिस पोजेस रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट. ये जो आपको ये जो पोज करना रहता है इसमें कुछ एफर्ट नहीं लगता है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती है. जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो वो बिल्कुल लायन के जैसा रहेगा. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, नेक्स्ट पेज में दिया है फर्स्ट पॉइंट, सिट डाउन विथ योर लेग्स फोल्डेड अंडर दैट योर टोज आर पॉइंटिंग स्ट्रेट बिहाइंड यू आर सिटिंग योर हील्स, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल. जो आपका स्पाइन है उसे स्ट्रेट रखने का है, बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल. नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप, क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर अटेंशन सेंटर ऑफ द फॉरहेड. इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द थर्ड आई. आपके अपने आंखों को बंद करना है और एकदम अटेंशन करना है, फोकस अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फॉरहेड. जब कब आपको अपने मस्तिष्क की तरफ ध्यान देना है यानी फॉरहेड. इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर्ड टू द थर्ड आई. सपोज आपको ऐसा फील करना है कि थर्ड आई है, थर्ड आई के ऊपर आपको फोकस देना है, तीसरी आंख. क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट, रूफ ऑफ योर माउथ विथ योर टंग, जो आपका टंग है. फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि अपने पैलेट के दौरान अपनी नाक से गहरी सांस ले. सिक्स्थ पॉइंट है एक्सहेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव वाइल स्टिकिंग. हमारा फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट, रूफ विथ योर टंग. फिफ्थ पॉइंट, टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज वाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट. सिक्स्थ पॉइंट, एक्सहेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव वाइल स्टिकिंग आउट योर टंग एंड ओपनिंग योर जॉस, मतलब जबड़े. एक्सहेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव वाइल स्टिकिंग आउट योर टंग एंड ओपनिंग योर जॉस एज मच एज पॉसिबल. आपको अपने जबड़े को इतना ओपन करना है जितना आप सह सके. एज योर आर्म्स शुड बी थ्रोन आउट एंड स्ट्रेच विद योर फिंगर्स प्लेट. सेवेंथ पॉइंट, रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, और आपको जोर जोर से रोर करना है. जैसे कि वॉट इधर पे क्या दिया था, लायन, लायन का पोज है ना, तो जैसे लायन कैसा रोर करता है करके, उस टाइप से आपको रोर करना है अपनी जीभ को निकाल के करके. ओके, द रोर शुड बी विथ हा साउंड एंड शुड बी नॉट लॉन्ग ड्रॉन आउट वन, रेदर इट शुड बी वन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोशन ऑफ ब्रेथ दैट एम्प्टीज योर लंग्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 and 30 seconds. जो अब ये आप पोज कर रहे हो उसको 20 to 30 seconds तक होल्ड करके रखना है. नॉट टू इनहेल इमिडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल अ फ्यू सेकेंड्स. ओके, रिपीट 5 or 6 times. जो यहाँ पे क्या बोला है, डू नॉट इनहेल इमिडिएटली, आपको जल्दी से इनहेल नहीं करना है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेना है. आफ्टर दिस पोज इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद आपको इनहेल करना है. दिस आसन पोस्चर गेट नेम्स फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग एज फार एज पॉसिबल, यू वे होल्ड योर फिंगर्स प्लेड आउट रिसेम्बलिंग अ रोरिंग लायन. आपको ऐसा पोस्चर बनाना है कि जो आप जैसे लायन कैसा रोर करता है उस टाइप से आपको इसमें रोर करना है. मर्जर्यासना इज अ वेरी पॉपुलर कैट पोज. इट इज टू सिंपल आसन फॉर बिगनर्स दैट यू स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक. ये आपके ये जो बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल है, जो लोग स्टार्ट किए हैं योगा, ये आपके एब्डोमेन और बैक के मसल को स्ट्रेच करेगा, आपके पीठ और पेट के मसल को स्ट्रेच करेगा. मर्जर्यासन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग योगा रूटीन एज इट विल जेंटली स्ट्रेच योर मसल्स एंड गेट रिड ऑफ एनी बॉडी एचेस.
इससे आपको जो किसी भी निकाय से आप छुटकारा पा सकते हैं, किसी भी बॉडी एचएस से। ओके, नेक्स्ट पेज हमारा है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हैं। स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज दैट योर बैक इज रेज्ड इन टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन मतलब मेज का ऊपरी हिस्सा, इस टाइप से आपको करना है। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजीशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स एंड रिस्ट, एल्बोज एंड शोल्डर्स शुड बी इन लाइन परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। ओके, सारे स्टेप्स दिए हुए, इसी टाइप से आपको करना है। सेंटर योर हेड इन न्यूट्रल पोजिशन विथ योर लुकिंग एट द फ्लोर। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब होता है तटस्थ। न्यूट्रल टेबल टॉप पोजिशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 times। आपको ये 6 times करना है। गरुड़ासन और द ईगल पोज। गरुड़ मतलब ईगल पोज आपको करना है। एनहांसेस योर बॉडी एबिलिटी टू बैलेंस इटसेल्फ। ये पोज करने से जो आपकी बॉडी की बैलेंस रहेगी वो एनहांस होगी, इम्प्रूव होगी। इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंस द लेग मसल्स एंड इम्प्रूव द फ्लेक्सीबिलिटी ऑन द जॉइंट बाय लूजनिंग द जॉइंट मसल्स। ये आपकी फ्लेक्सीबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ओके, जो आपकी जॉइंट की मसल्स है, ओके, जो आपकी जॉइंट की मसल है उसको लूज भी करता है। स्टेप्स भी आपको दिए हुए हैं कैसे करना है, आप रीड करके इसको कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ फिर भी। स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फिट, रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। आपको सीधे खड़े होना है और राइट लेग टू लेफ्ट लेग में रैप करना है। द राइट थी शुड बी ओवर द लेफ्ट थी एंड लेफ्ट फीट शुड टच द काल्फ मसल्स फ्रॉम बिहाइंड। सिमिलरली रैप द राइट हैंड अराउंड द हैंड। और आपको सेम वे में जो आपका राइट हैंड है लेफ्ट हैंड से ऐसे करके ऐसे रैप करना है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? नाउ प्लेस द पाम्स टुगेदर टू रिसेंबल द ब्रेक ऑफ द ईगल। ठीक है, ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग टू द लोअर बॉडी अंटिल राइट टचेस द ग्राउंड। ठीक है, आपको दोनों हाथ को रैप करना है, दोनों पैर को रैप करना है और आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, ट्राई टू रिमेन इन दिस पोज एज लॉन्ग एज यू मेंटेन द बैलेंस। आप इसे कब तक कर सकते हैं? जब तक आपका बैलेंस मेंटेन हो। ओके, आफ्टर दिस आसन रिलैक्स फॉर सम टाइम। आपको इस आसन के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स लेना है फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा आपको रिलैक्स लेने का है। उसके बाद है आपका उत्तरासन और कैमल पोज। उत्तरासन स्ट्रेचेस द बैक, ओपन द शोल्डर्स, चेस्ट एंड क्वाड्रिसेप्स। इट आल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी। दिस योगा पोस्चर एड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपके बैक को स्ट्रेंथ देता है और आपके शोल्डर्स, चेस्ट और क्वाड्रिसेप्स को ओपन करता है और आपके मूड को बूस्ट करता है। जो आपका ये आपके मूड और एनर्जी को स्ट्रेंथ करता है। दिस योगा पोस्चर एड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये योगा पोस्चर जो है आपके फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है उसको ऐड करता है और स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन। बहुत से लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये योगा उन्हें करना चाहिए जिससे उनका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए कैसे इसको करना है। ओके, देखिए, नी ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड ऑन द हिप्स। आपको नील डाउन कैसे होते हैं वैसे आपको नील डाउन होना है एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स। ओके, आपको हैंड्स पीछे की तरफ रखना है। एज इनहेल ड्रॉ इन योर टेल बोन टूवर्ड्स द पब्स एज If being pulled from the navel. Simultaneously arch your back and slide your palms over your feet till the arms are straight. Do not strain or flex your neck but keep it in the neutral position. Stay in this posture for couple of breaths. Breathe out slowly, come back to initial pose, withdraw your hands and bring them to your hips to straighten up. Note, you may place a cushion below your neck to ease your way into the pose. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, योर नीज शुड बी इन लाइन विद शोल्डर्स एंड सोल
ऑफ योर फिट शुड बी फेसिंग द सीलिंग। इसका अर्थ ये होता है आपके घुटने कंधे और अनुरूप होने चाहिए और आपके पैरों का एकमात्र छत का सामना करना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है एज यू इनहेल ड्रॉ इन योर टेल बोन टूवर्ड्स द पबिस एज इफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल। जब आप सांस लेते हो, थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया है, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी पूंछ की हड्डी में और आकर्षित करे, नाभि से खींचा जा रहा है। इसके साथ ही देखिए फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम द नेवल। इसके साथ ही फोर्थ पॉइंट सिमुटेशनली आर्च योर बैक स्लाइड योर पाम्स ओवर द फिट टिल द आर्म्स आर स्ट्रेट। अपने पीठ को खींचे और अपनी हथेलियों को अपने पैरों के ऊपर तब तक टिकाए जब तक जो आपका कंधा है वो सीधा ना हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा डू नॉट स्ट्रेन और फ्लेक्स योर नेक बट इट कीप इन द न्यूट्रल पोजीशन। इसका मतलब होता है फिफ्थ पॉइंट है अपनी गर्दन को तनाव या फ्लेक्स ना करे लेकिन इसे तटस्थ स्थिति में रखे। ओके, सिक्स्थ पॉइंट स्टे इन दिस पोस्चर फॉर ए कपल्स ऑफ ब्रेथ, एक दो सांसों के लिए इसी मुद्रा पे रहे। सिक्स्थ पॉइंट सेवेंथ पॉइंट ब्रेथ आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज, विदड्रॉ योर हैंड्स एंड ब्रिंग देम टू योर हिप्स एज यू स्ट्रेटन अप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सांस छोड़े और धीरे धीरे वापस प्रारंभिक में आए, पेश करती है, अपने हाथों को वापस लें और उन्हें वापस लाए, आपको जो नेक है उसको सीधा करते हुए आपको ये जो योगा है वो करना है। और फिर यहाँ पे नोट, यू मे प्लेस अ कुशन बिलो योर नीज टू ईज योर वे इनटू द पोज। आप पोज में अपना रास्ता आसान बनाने के लिए अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे ये सारे योगा करते हुए पिलो भी रख सकते हैं। ओके, अपने नीज के नीचे यानी घुटनों के नीचे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया रहेगा। अगर समझ गया रहेगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से बोलती हूँ, और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।